رحم الله من حرق الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي المبتدئ حبيب الله العظيم أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على آبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم من أرمى نفسه فقد أرمى ربه سلام. देखिए मैंने किसी आयत कुरानी को सरनामा कलाम करार नहीं दिया बल्कि एक हदीस है अमीरुल मोमिनीन अलैहि सलाम की मारेबत के रब के थ्रू के मारेबत रब का जरिया है नफ्स. हम हमेशा आयतों को सरनामा कलाम करार नहीं देते, कभी कभी हदीस को भी सरनामा कलाम करार देते हैं और ये बताना चाहते हैं कि हम हजमोना किताब अल्लाह वाले नहीं हैं. हम हजमोना किताब अल्लाह वाले नहीं हैं इसलिए कि हम जानते हैं कि किताब बगैर मौलवी के ना समझ में आती है ना हिदायत करती है और नहीं काफी हो सकती है. इसीलिए हम हदीस को अपने पेश नजर रखते हैं. देखिए परवरदिगार आलम अगर किताब काफी होती तो सूरों के इब्तिदा में हुरूफ मुकद्दरात न रखता. आज सारे आलम के कुरान देख लीजिए, किसी मजहब का हो, किसी फिरके का हो, किसी कुरान में भी आपको अलिफ लाम मीम का तर्जुमा नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलता पूछिए, कहेंगे कि हमें मालूम नहीं माने. तो जब माने मालूम नहीं तो कुरान काफी कैसे हो गया. अल्लाह ने हर सूरह के इब्तिदा में हुरूफ मुकद्दरात रख के सारे कुरान पढ़ने वालों को ये बताया कि देखो अगर कुरान समझना है तो अहले बैत के दर पे जाओ. दबा बिना कहा अगर अल्लाह समझता कि किताब काफी है तो कहीं किताब नाजिल कर देता, फातिह गैबी ऐलान कर देता कि किताब नाजिल हुई है पढ़ो और अमल करो. लेकिन ऐसा नहीं है. जनाब आदम को परवरदिगार आलम ने पहले भेजा, किताब बाद में भेजी, सहीफा बाद में आया. हजरत नूह को पहले भेजा, सहीफा बाद में आया. हजरत इब्राहिम को पहले भेजा, सहीफा बाद में आया. हजरत मूसा पहले आए, तौरात बाद में नाजिल हुई.
हाँ, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आते ही ऐलान किया, इन्नी अब्दुल्ला आतानिया किताब जो उजालनी नबिया, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, किताब लेके आया हूँ, किताब मुझे अता की गई है और मैं नबी बना के भेजा गया हूँ, लेकिन किताब सुनाई नहीं, सिर्फ ऐलान किया कि किताब लेके आया हूँ लेकिन किताब सुनाई नहीं। सारी कायनात में एक ही हस्ती ऐसी मिलती है जो नूरुल किताब से पहले किताब सुनाए, और वो हस्ती मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। आज दुनिया हमसे सवाल करती है कि अली ने कुरान कैसे सुनाया जब नाजिल ही नहीं हुआ था, तो कुरान ने खुद रहनुमाई की। सूरह रहमान में इरशाद हुआ, अर रहमान अल्लमा कुरान खलक अल इंसान अल्लमहु बयान, रहमान वो है जिसने कुरान की तालीम दी फिर खल्क किया और उसके बाद इल्मे बयान दिया, तो मालूम हुआ कि इल्मे कुरान अली वहां से लेकर आए। तो अब सवाल न कीजिए कि कुरान नाजिल नहीं हुआ था और अली ने कैसे सुनाया। हजरत ईसा किताब लाए थे लेकिन सुनाए नहीं। क्यों नहीं सुनाया? इसलिए नहीं सुनाया कि कोई तस्दीक करने वाला नहीं था। दुनिया आज हमसे यही पूछती है कि रिसालत मआद जिन पर किताब नाजिल हुई उन्होंने तो किताब नहीं सुनाई, अली ने किताब कैसे सुना दी। आज के खिदमत में आज करूं कि जिस वक्त रिसालत मआद तशरीफ लाए थे कोई कुरान का तस्दीक करने वाला नहीं था, जब अली आए तो रिसालत मआद मौजूद थे तस्दीक के लिए, इसलिए कुरान सुनाया। सलवात दिशा फरमाएं। तो वही अली जो साहेब नहजुल बलागा और कुरान का पहला सुनाने वाला पहला कारी है, वो अली इरशाद फरमा रहा है, मन अरफा नफ्सहू फकत अरफा रब्बहू, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। देखिए कलामुल इमाम जो होता है वो इमामुल कलाम होता है, इमाम का कलाम तमाम कलाम का इमाम होता, और इमाम के कलाम में इतनी गहराई और गहराई होती है कि जितनी मारिफत रखने वाला है उतना बुलंद मतलब उसे हासिल करता। तो मालूम हुआ कि मारिफत के मुताबिक मतलब मिलते हैं हदीसों से। अब इस हदीस में मौलाए कायनात इरशाद फरमा रहे हैं, मन अरफा नफ्सहु फकद अरफा रब्बहु, जिसने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना। मैंने अपने का लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल नहीं किया इसलिए कि इस हदीस के भी दो तर्जुमे होते हैं। अगर नफ्स इंसानी को लिया जाए तो तर्जुमा यह होगा कि जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना, और अगर हू की ज़मीर अल्लाह की तरफ हो जाए तो अब जिसने उसके नफ्स को पहचाना उसने रब को पहचाना, नफ्सुल्लाह को जिसने पहचाना उसने रब को पहचाना। ये दो माने होते हैं, और हकीकत यह है कि जब इमाम इरशाद फरमा रहे हैं तो इमाम के कलाम में इतनी गहराई होगी, इतनी गहराई होगी कि हर माने सही होंगे। अगर आप माने लें कि हमारा नफ्स अगर हम इसकी मारिफत रखते हैं तो अल्लाह की मारिफत होगी तो ये भी सही, और अगर आप नफ्सुल्लाह की मारिफत रखते हैं तो उसकी मारिफत होगी ये भी सही। तो आइए इन मंजिलों को देखते हैं कि पहले नफ्स के मुताबिक कि अपने नफ्स का अगर किसी को इरफान हो जाए तो वह रब को कैसे पहचानता, वो रब को कैसे पहचानता है। देखिए अल्लाह की सिफतें बताई गई, अल्लाह है गैर मरई नजर नहीं आता, हर इंसान के पास नफ्स मौजूद है,
قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا سنریہم فی الآفاق وفی انفسہم آیات سنریہم آیات نا فی الآفاق وانفسہم ہم نے اپنی آیات کو اپنی نشانیوں کو آفاق میں بھی رکھا ہے اور انفس میں بھی رکھا ہے نفسوں میں بھی رکھا ہے اب آفاق کیا ہے یہ چاند سورج ستارے زمین آسمان شجر اجر دریا یہ سب کچھ آفاق میں شامل ہے معلوم ہوا ساری کائنات ایک پرلے میں اور نفس انسان ایک پرلے میں جو ساری کائنات کو دیکھ کے رب کو پہچان سکتا ہے اگر وہ کائنات کو نہ دیکھ سکے اپنے نفس کو دیکھ لے تو رب کو پہچان سکتا ہے معلوم ہوا کہ یہ نفس میں پروردگار عالم نے اتنی خوبیاں رکھ دی ہیں کہ یہ نفس کی طرف آپ کو رجوع کرتا ہے جب نفس کی معرفت ہو جائے تو اللہ کی معرفت ہو جائے اچھا اللہ ہے غیر مرئی نظر نہیں آتا اب میں آپ سے پوچھوں آپ کے پاس نفس ہے آپ کہیں گے کہ ہاں ہے اور اگر میں پوچھوں کہ بتائیے کہاں ہے تو آپ بتا نہیں سکتے لیکن یقین ہے کہ نفس ہے نفس کا یقین ہے لیکن بتا نہیں سکتے تو جو چیز نظر نہیں آتی وہ عدم وجود پہ دلیل نہیں رکھتی اگر نظر نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ موجود نہیں ہے وہ موجود ہے لیکن احساس و ایقان چاہیے عقل چاہیے اب معلوم ہوا کہ یہ جو نفس پر رضی عالم نے دیا ہے یہ نظر نہیں آتا لیکن ہے اللہ بھی نظر نہیں آتا لیکن ہے ماننا پڑے گا اب اسی طرح اللہ ساری کائنات میں ہر مقام پر ہے اور کسی ایک مقام پر نہیں ہے اگر ایک مقام پر مقید کر دیا جائے تو اللہ اللہ نہیں رہتا معلوم ہے کہ اللہ ساری کائنات میں ہے اور کسی ایک مقام پر نہیں ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا نفس کہاں ہے اگر میں پوچھوں آپ کی انگلی میں ہے آپ ارشاد فرمائیں گے کہ ہے اور میں پوچھوں کہ اگر انگلی میں ہے تو کیا ہاتھ میں نہیں ہے آپ ارشاد فرمائیں گے نہیں وہاں بھی ہے موڑے میں بھی ہے سر میں بھی ہے پیٹ پر بھی ہے پیر پر بھی ہے ہر جگہ ہے پروردگار عالم نے نفس کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا تو اتنا کمال عطا کر دیا کہ سارے جسم میں نفس ہے کسی ایک مقام پر نہیں ہے اللہ بھی اسی طرح سمجھ میں آ جائے گا کہ ہر مقام پر اللہ ہے لیکن کسی ایک مقام پر اسے مقید نہیں کیا جا سکتا یہ نفس معرفت رب کروا رہا ہے اس لیے کہ امام کا کلام ہے مولا کائنات کا کلام ہے کلام میں گہرائی ہوتی ہے کلام میں گہرائی ہوتی ہے معرفت رب کروا رہے ہیں علی کہ جو نفس کو پہچان لے وہ رب کو پہچانتا ہے اچھا قرآن مجید میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سو جاتا ہے تو ہم اس کے نفس کو پہچ لیتے ہیں اور اگر زندگی باقی ہے تو واپس کر لیتے ہیں اور اگر حیات باقی نہیں ہے تو نفس کو روک لیتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جب انسان سو رہا ہے تو اس کا نفس اس کے جسم سے نکل جاتا ہے اس کے جسم سے نفس نکل جاتا ہے جب نفس نکل گیا تو اب یہ جو جسم ہے اس کی آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں پاتی کان ہیں لیکن سن نہیں پاتے زبان ہے لیکن خاموش ہے چلتی نہیں معلوم ہوا جسم اور نفس کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ جب تک یہ دونوں ساتھ ساتھ نہ ہو یہ سارا جسم کام نہیں کرتا کام اسی وقت کرے گا جب نفس موجود ہو لیکن یہی آپ خواب میں اگر آپ دیکھیں تو ہمارا نفس خواب میں دیکھتا بھی ہے سنتا بھی ہے بولتا بھی ہے
ख्वाब में सब कुछ आप करते हैं, ये सब कुछ कैसे हो गया? आंख नहीं है, आंख तो यहाँ जिस्म के साथ है, कान यहाँ जिस्म के साथ है, आदाय और जिस्मानी तमाम जिस्म के साथ साकित हैं, लेकिन ख्वाब में नफ्स देख भी रहा है, सुन भी रहा है, बोल भी रहा है, चल भी रहा है, हाथ से हरकत भी कर रहा है, ये सारी चीजें किस लिए हैं? यही समझाने के लिए कि अगर अल्लाह को आंख नहीं है तो उसी तरह देखता है जिस तरह ख्वाब में नफ्स देखता है, उसी तरह सुनता है जिस तरह ख्वाब में नफ्स सुनता है, उसी तरह बोलता है जिस तरह ख्वाब में नफ्स बोलता है। सबा दिशा नफ्स की मारेफत रब की मारेफत, नफ्स में जितना गौर करते जाइएगा उतना आपको मारेफत रब होती जाएगी। अजीब मंजिल यह है कि ये नफ्स हमारा जो नाकिस नफ्स है ये तो अल्लाह की मारेफत करवा सकता है, तो जिसका नफ्स कामिल हो, जिसे परवरदिगार आलम ने नफ्सुल्लाह कहा हो। अच्छा, हमारी समझ में नहीं आता इसलिए कि हमारे आंख है तो हम देखते हैं, कान है तो सुनते हैं, तो हम ये समझते हैं कि आंख जरूरी है, कान जरूरी है, जबान जरूरी है, हाथ जरूरी है, बगैर इनके कुछ हो नहीं सकता। तो परवरदिगार आलम ने कहा कि अगर तुम यही समझते हो, अगर तुम्हारी अकल इसी दर्जे पर है, तो ऐसी सूरत में मैं एक इंतजाम और किए देता हूँ, और वो इंतजाम ये है कि मेरे नफ्स की आंखें ऐनुल्लाह होंगी, उसके कान उदुलुल्लाह होंगे, उसकी जबान निशानुल्लाह होगी, उसका पहलू जमुल्लाह होगा, उसके हाथ यदुल्लाह होंगे। और असरारदाबिया ने आदिल अलवी दीवाचे में लिखते हैं पेश लफ्ज में, भला काना लिल्लाह ऐन यतजस्सर, अगर अल्लाह जिस्म अपनाना चाहता, भला यतजस्सर, लेकिन वो जिस्म नहीं अपना, नहीं है उसके जिस्म, अगर अपना था तो यतजस्सर तो फी बदन अली इब्ने अबी तालिब, अगर अल्लाह जिस्म अपना था, अगर चेक उसका जिस्म नहीं है, अगर अपनाना चाहता तो अली के बदन को अपना जिस्म खराब, और जब ये करार देता है तो इसीलिए तो इरशाद फरमा रहा है कि उसकी आंखें ऐनुल्लाह है, उसके कान उज़्नुल्लाह है, उसकी जबान निशानुल्लाह है, उसके हाथ यदुल्लाह है, और जब सारी निर्मतें अपनी तरफ दे दी तो परवरदिगार आलम ने अपने घर में भेज दिया कि देखो मारिफत रब का बेहतरीन जरिया, आला तरीन जरिया वो नफ्सुल्लाह, नफ्सुल्लाह को अपने घर में भेज दिया। और हकीकत यह है, अभी आपने सुना कि परवरदिगार आलम ने जनाब इब्राहिम से घर मनवाया और मौलाए कायनात को अपने घर में भेजा, इब्राहिम ने घर बनाया अली के आने के लिए नहीं। एक बात और आपके खिदमत में आज करो, अली की तो बहुत बड़ी मंजिलत है, अली की माँ के लिए परवरदिगार आलम इब्राहिम से कह रहा है, तहरा बैदिया लिताएना वल आकिबीना वल कायमीना वर रुकई सुजूद, सूरह हज की आयत जिसमें इरशाद हो रहा है कि मेरे इब्राहिम और मेरे खलीलुल्लाह इस घर को पाक रखो, किसके लिए? तवाफ करने वालों के लिए, आकिबीन के लिए, और उसके बाद कायमीन के लिए, क़याम करने वालों के लिए।
और कई सुजूद और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। अब तारीख इस्लाम नहीं, तारीख कायनात देख के मुझे ये बताइए कि क्या कोई काबे के अंदर क़याम करता है? काबे के अंदर कोई क़याम नहीं करता। ये नमाज का क़याम भी नहीं है जो काबे के अंदर हो। मालूम हुआ कि यहाँ कायमीना अगर परवरदिगार आलम ने कहा है तो कुछ हस्तियाँ ऐसी हैं जिन्होंने काबे में क़याम किया, और परवरदिगार आलम ने इब्राहिम को काबा उनके लिए पाक रखने के लिए इरशाद फरमाया, और वो क़याम करने वाले कौन हैं? जनाबे फातिमा बिनते असद और मौलाए कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मालूम हुआ कि परवरदिगार आलम ने मौलाए कायनात की वालिदा जनाबे फातिमा बिनते असद के लिए घर को पाक रखने का हुक्म दिया है। इसे इब्राहिम को जो खलीलुल्लाह है। एक बात और आपके खिदमत में अर्ज़ कर दूं, शायद नहीं हो, दीवार का शक होना ये किसका मौजूदा है? दुनिया समझती है कि यह अली का मौजूदा, लेकिन मैं नहीं समझता कि यह अली का मौजूदा। इसलिए कि मौजूदा जब होता है तो साहिब मौजूदा सामने होता है। अगर मूसा थे तो असा अजदर बनता था, ईसा थे तो छोटा से मुर्दा जिंदा होता था, दारून थे तो लोहा नरम होता था। मालूम हुआ साहिब मौजूदा की मौजूदगी में मौजूदा होता है। अगर साहिब मौजूदा मौजूद न हो तो मौजूदा नहीं होता। अब मुझे ये बताइए कि जब फातिमा बिनते असद काबे के सामने आई हैं तो क्या अली थे मौजूद? शिकवे मादर में थे। तो अब काबे की दीवार के सामने कौन आया? जो सामने आ रहा है उसी के जरिए मौजूदा हो रहा है। दीवार काबे का शक होना अली का मौजूदा नहीं, फातिमा बिनते असद का मौजूदा है। सलवा दिशा फरमा। नहीं समझते, आप समझते हैं कि अली का मौजूदा है, तो फिर एक दूसरी बात मान लीजिए, ये मान लीजिए कि इमाम गैबत में रह के मौजूदा दिखा सकता है। इमाम गैबत में रह के मौजूदा दिखा सकता है। अगर आज हम बाद इमाम अलैहिस्सलाम से तवस्सुल करते हैं तो यही तो सबब है कि इमाम गैबत में रह के मौजूदा दिखा सकता है। और अभी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि यह नफ जो गायब है, ये गायब होना इसके वजूद की भी दलील है, इसके कमाल की भी दलील। जो चीज गायब होती है वो उसके कमाल की दलील होती है। तो इमाम जमाना का गायब होना भी दलील कमाल इमाम जमाना है। दुनिया सवाल न करे कि गायब कैसे हैं, ये कमाल है। और उसके बाद आपकी बात खिदमत में आज करूँ कि परवरदिगार आलम ने जब अपने नफ्स को अपनी मारिफत का बुलंद तरीन जरिया करार दिया और उन्हें ऐनुल्लाह करार दिया, उज़्नुल्लाह करार दिया, लिसानुल्लाह करार दिया, जम्बुल्लाह करार दिया, चेहरे को वजहुल्लाह करार दिया और उस ज़ात को वलीउल्लाह करार दिया। देखिए इस मकाम पर एक बात और आपकी खिदमत में आज कर दूँ, ये वजहुल्लाह जो है, वजह क्या चीज़ है? कुरान मजीद में आयत मिलती है कुल्लु शयइन हालिकुन इल्ला वजहुहु, तमाम अशिया हलाक होने वाली है सिवाय उसके वजह। कुल्लु नफ्सिन, नफ्स के लिए मौत है, लेकिन बाकी रहने वाला वो यबका वजू रब्बे का उस जलाल वलिकराम, रब्बे उस जलाल का चेहरा बाकी रहने वाला। तो ये वजह हमेशा हर आयत में वजह की बका बताई जा रही है।
ये वजह वजह की ये जो बताई जा रही है ये वजह है क्या? किसी ने नाम जाकर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल किया कि मौला ये बताइए कि इस आयत के माने क्या है, कुल्लो शहीद हालिकु लिल्लाह वजह होगी। तो आपने इरशाद फरमाया लोग क्या कह रहे? तो कहा लोग कहते हैं कि माज़ल्ला इब्तिदाद ज़माना से हर शय अल्लाह की ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ चेहरा बाकी रहेगा। आपने इरशाद फरमाया कि गलत कहते हैं, इसलिए कि अल्लाह जिस्म जिस्मानियत से मुबर्रा है, आरी है। और उसके बाद आपने इरशाद फरमाया वजह के माने यह है कि अगर किसी इंसान को पहचानना है तो उसे उसके हाथ से नहीं पहचाना जा सकता, पांव से नहीं पहचाना जा सकता, जिस्म से नहीं पहचाना जा सकता, उसके चेहरे से पहचाना जाता है। तो चेहरा दरअसल पहचान का जरिया है। अब अल्लाह ने जिन्हें वजूदा कहा है वो हस्तियां अल्लाह की मारिफत का जरिया है, अल्लाह की मारिफत का जरिया है। तो अब मुझे ये बताइए कि मारिफत का जरिया कितने हैं, कितनी हस्तियां हैं जो मारिफत का जरिया हैं? तो आप कुरान मजीद में अगर तदब्बुर करें तो वजह के अगर आदात देखें अबजद के हिसाब से, तो पाँव के 6 आदात, जीव के 3 आदात और हे के 5 आदात, 6 और 3 9, 9 और 5 14 होते हैं। मालूम हुआ 14 हस्तियां हैं जो वजूदा हैं, जो अल्लाह की मारिफत करवाने वाली, जो अल्लाह की मारिफत करवाने वाली है। तो मालूम हुआ कि परवरदिगार आलम ने जिसे अपनी मारिफत का जरिया करार दिया उसे वजूदा कहा, उसे अहलुल्लाह कहा, उसे निशानुल्लाह कहा, उसे उल्लाह कहा। अब एक बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, लेकिन हम चूंकि हमारा इल्म है महदूद, हमारी आंखें जब मादियत के समंदर में हम देखते हैं तो ये सिर्फ सामने देख सकती हैं, पीछे नहीं देख सकती। एक वक्त में एक शय पर मरकूज होती हैं, कई अशिया को हम नहीं देख सकते। अगर फासला ज़्यादा हो जाए शय नज़र नहीं आती, अगर शय करीब आ जाए नज़र नहीं आ सकती, आप पढ़ नहीं सकते। मालूम हुआ कि इस आँख में कई नहायत हैं। तो अब अल्लाह ने कहीं तुम ये न समझना कि अहलुल्लाह भी माज़ल्ला माज़ल्ला ये नहायत है, तो इसीलिए परवरदिगार आलम ने अहलुल्लाह की आँखों को तरजीह की इस मंजिल में रखा कि अगर रिसालत बाग सामने देख सकते थे तो पीछे भी देख सकते थे। उनके लिए हिजाब हिजाब नहीं था, मौलाए कायनात के लिए भी यही मंजिल थी। और इसीलिए एक मरतबा मौलाए कायनात जब जंग में जाया करते थे तो ऐसी ज़रा पहनते थे जो सामने से होती थी, पीछे से नहीं होती। पूछने वाले ने पूछा कि मौला आपकी ज़रा सिर्फ सामने क्यों होती है, पीछे क्यों नहीं होती? तो आपने इरशाद फरमाया कि इसके 2 सबब हैं। एक सबब यह है कि मैं जंग में पीठ नहीं दिखाता, लिहाजा कोई हमला पीछे से कर नहीं सकता। और दूसरी चीज ये कि मैं उसी तरह जिस तरह रसूल सामने देखते थे उसी तरह मैं भी पीछे देखता। मालूम हुआ उनकी आंखों के लिए यह हदबंदी नहीं है कि आंखें हैं तो सिर्फ सामने देखें, नहीं पीछे भी देख सकते हैं। अब अगर मैं अपनी नज़रें किसी एक पर मरकूज करूं, इन पर देखूं, इनको देखूं, तो उनको नहीं देख सकता, इनको नहीं देख सकता। लेकिन अहलुल्लाह में ये हदबंदी नहीं है, वो मकाम नजफ में होगा। लेकिन अगर कोई यहाँ आगरा से उतर रहा है उस पर नज़र होगी, अगर कोई ईरान में है उस पर नज़र होगी, कोई अफगानिस्तान में है उस पर नज़र होगी, लंदन में नज़र है उस पर नज़र होगी, सारी कायनात पर नज़र अहलुल्लाह में। और हमारी आंख में यही फर्क है। और उसके बाद रोशनी हो तो हम देख सकते हैं, अंधेरा हो जाए तो देख नहीं सकते, सो जाए आंख बंद हो जाए तो देख नहीं सकते। लेकिन अहलुल्लाह वो है जो सोते हुए में इशारों को देखता है। तो अब हमसे ये सवाल न करो कि अली तो जाके नजफ पे सो गए तो तुम्हें देखेंगे कैसे, इसलिए कि अहलुल्लाह आंखें बंद हो जाए तो देखने से चूकता नहीं। सलवात।
ماشاءاللہ اللہ کے کان اب ہمارے کان اور ہے ہمارے کان اگر آواز سرگوشی میں ہو تو سنائی نہیں دیتی اگر ایک دم بلند آواز ہو جائے وہ بھی سنائی نہیں دیتی زیادہ فاصلے پر گفتگو ہو سنائی نہیں دیتی اور اگر کئی لوگ ایک ساتھ بولنے لگے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ کون کیا کہہ رہا ہے لیکن اذن اللہ کے لیے یہ حدبندیاں نہیں ہیں اذن اللہ وہ ہے جو کتنے ہی فاصلے سے کوئی پکارے وہ سنتا ہے نجف سے علی ہے اگر کوئی سرانزیب سے پکارتا ہے تو سنتے ہیں اگر کوئی امریکہ سے پکارتا ہے تو سنتے ہیں اور سارے مل کے ایک ساتھ پکارتے ہیں یا علی تو بھی سنتے ہیں اور ہر ایک کی آواز الگ الگ سنتے ہیں سب فکر ہو اگر ان اللہ میں یہ خوبی نہ ہوتی تو دعا کرنے والے جو ساری کائنات سے الگ الگ دعائیں کر رہے ہیں وہ کیسے سنائی دیتی آنکھوں کے لیے ایک شخص یہاں عبادت کر رہا ہے یہاں مجلس میں بیٹھا ہے ایک مجلس حیدرآباد میں ہو رہی ہے ایک مجلس پاکستان میں ہو رہی ہے اور ہر مجلس میں بیٹھنے والا یہ چاہتا ہے کہ علی ہمیں دیکھیں علی ہمیں دیکھیں اگر آنکھ مجبور ہو جائے ہماری آنکھوں کی طرح تو ساری کائنات میں جو ذکر ہو رہا ہے نہ وہ دیکھا جائے گا نہ سنا جائے گا لیکن ہر مقام پر مجلس کر کے یہ یقین رکھنے والا کہ وہ ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں ہمیں سن بھی رہے ہیں وہ جانتا ہے کہ ان کی آنکھیں نہ مجبور ہیں نہ کان مجبور ہیں وہ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں سب کچھ سن سکتے ہیں اب پروردگار عالم نے جسے ید اللہ قرار دیا اب ہمارے ہاتھ ان ہاتھوں میں جتنی طاقت ہے اتنا کام ہم کر سکتے ہیں ان سے بڑھ کے ہم کام نہیں کر سکتے کمال ہو ہم میں تو کوئی نادر چیز بنا سکتے ہیں اور ہاتھوں میں ہی کمال نہ ہو کوئی مصور کو آپ دیکھتے ہیں کتنی اچھی تصویر بنائی اس لیے کہ کمال ہے ہاتھوں معلوم ہے کہ ہاتھ میں کمال ہو تو شے کمال بھی بنتی ہے اب اگر ید اللہ ہے تو پروردگار عالم نے اتنا کمال دیا کہ ادھر کن جاری ہوا ادھر آدم بنے ادھر عیسیٰ بنے ادھر کائنات سجی سب دکھ اور یہی ید اللہ ایک اشارے سے چاند کو زمین پر بلا رہے ہیں ایک اشارے سے سورج کو پلٹا رہے ہیں یہ کیسے ممکن ہو گیا دیکھیں انسان کوئی کام کر سکتا ہے اپنی طاقت کے مطابق طاقت سے زیادہ ہو تو نہیں کر سکتا ایک اگر بڑا پتھر رکھ دیا جائے ایک آدمی اسے ہٹا نہیں سکتا اس لیے کہ طاقت ناکافی ہے دو چار مل کے ہٹانا پڑتا ہے اس لیے کہ طاقت ناکافی ہے لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ پروردگار عالم نے جسے ید اللہ کہا اس کی دو انگلیوں نے اس درے خیبر کو اٹھاڑا جسے 40 آدمی مل کے اٹھایا کھولا بند کیا کرتے معلوم ہوا کہ دو انگلیوں میں علی کے 40 آدمی کی طاقت سے زیادہ طاقت تھی نہیں درے خیبر کا ذکر ہی کیا ہے جو اشارے سے سورج کو پلٹا دے کتنی طاقت ہوگی اس اشارے میں اب ایک بات اور عرض کروں کسی شے کو ہٹانے کے لیے اس سے استحصال ضروری ہے بغیر استحصال کسی شے کو ہٹایا نہیں جا سکتا لیکن اشارے سے اگر میں چاہوں کہ اسے ہٹا دوں تو یہ نہیں ہٹتا لیکن علی کا کمال یہ ہے کہ علی کو ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں ہے ادھر اشارہ کرتے ہیں اور ادھر سورج پلٹ کے آتا ہے اللہ 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 اللہ
روایت ملتی ہے کہ 70,000 ملائکہ اسے روز مشرق سے مغرب لے جاتے، 70,000 ملائکہ مشرق سے مغرب لے جاتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ سورج کو ہٹانے کے لیے 70,000 ملائکہ کی قوت درکار ہے۔ اب اس علی کی قوت کا اندازہ کرو جس کے اشارے سے سورج پلٹ رہا، جس کے اشارے سے سورج پلٹ رہا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے علی کے نفس کو، جو نفس اللہ ہے، معرفت رب کا ذریعہ، معرفت رب کا ذریعہ نہیں، یہ گھرانہ چھوڑیے، اس گھرانے کے جو نوکر ہیں، جو چاہنے والے ہیں، تو ان میں کتنا کمال، وہ کیسے معرفت کروا رہے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ 2 سال صرف خدمت امام صادق علیہ السلام نے اور امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں گزارا، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے کہا کہ اچھا، 2 سال میں تم یہ در چھوڑ رہے ہو تو تمہیں ہم ان کے غلام کے در پر لے جائیں۔ ایک مرتبہ بہلول تشریف فرما ہے، آتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ بہلول مجھے ایک مسئلہ معلوم کرنا۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا، اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اگر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے تو پھر جزا و سزا کیوں ہے؟ اور شیطان آگ کا بنایا ہوا ہے تو آگ سے جلایا کیوں جائے گا، کیسے جلایا جائے گا؟ تو اور پوچھا ہے امام اعظم دوسروں کے، جو ایک فرقے کے امام ہیں، آ کے پوچھ رہے ہیں بہلول دانا سے، جو در اہل بیت کا گدا، جب آ کے پوچھا تو کہا کچھ نہیں، ایک اٹھایا ڈھیلا مٹی کا اور مار دی۔ ایک مرتبہ شکایت لے کے پہنچے خلیفہ وقت کے پاس کہ بہلول نے مجھے ایک مٹی کے ڈھیلے میں مار دیا۔ بلایا گیا بہلول اور پوچھا کہ بہلول تم نے مارا کیوں؟ تم سے مسئلے پوچھے گئے تھے کہ جواب دیتے، اور اگر معلوم نہیں تھے تو کہہ دیتے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہ مطلب پہلول کہتے ہیں میں اس در سے وابستہ ہوں جس در پہ آنے والا کوئی چیز معلوم نہیں ہے، نہیں کہتا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ سنو، اس سے پوچھو کہ یہ چاہتا کیا تھا؟ کہا اللہ ہے تو دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ تو ایک مرتبہ سوال کرتے ہیں کہ اگر میں نے اس ڈھیلے سے مارا تھا تو اسے ہوا کیا؟ تو کہنے لگے کہ درد ہوا۔ کہا بتاؤ کہاں ہے درد؟ کہا درد دکھانے کی چیز نہیں ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے تو عدم وجود کی دلیل نہیں ہے۔ تمہارا درد نظر نہیں آتا ہے لیکن موجود ہے، تو اللہ بھی اگر نظر نہیں آتا ہے تو موجود ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک دلیل دے دی معرفت رب کی۔ اور اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے تو سزا اور جزا کیوں ہے؟ تو اس مرتبہ کہتے ہیں کہ اگر شر بھی اللہ ہی کی طرف سے تھا اور میں نے مار دیا تو مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو؟ اللہ سے سوال کرو، بندے سے سزا کیوں چاہتے ہو؟ بندے کو سزا دینا چاہتے ہو، یہ کیوں؟ تو اس مرتبہ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد تیسرا سوال کیا ہے؟ کہا کہ تیسرا سوال یہ ہے کہ شیطان آگ کا بنایا ہوا ہے، آگ سے جلایا کو کر جائے گا؟ تو آپ نے کہا انسان مٹی کا بنا ہوا ہے، مٹی سے اس کو مار کیسے لگی؟ معلوم ہوا کہ ایک علی کے چاہنے والے کے ایک فعل کو کسی فرقے کا امام اعظم نہیں سمجھ سکتا، تو علی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ علی کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ علی وہ ذات ہے جو معرفت رب کر، معرفت رب کرنے والا، اور یہ سب کچھ کر کے، سورج کو پلٹا کے،
सितारे को जमीन पर उठा के सजदा करके बताया कि रब वो है मैं अजीब मारे पर मैं रब कर। देखिए आप सुन लेते हैं बड़ी आसानी से कि सूरज को पलटाया। एक बात आपके जिम्मत काम करो, सारी कायनात जो रुकी हुई है ये एक आपसी कशिश सैयारों सितारों की जो है उसके सबब से सारी कायनात कायम है। अगर कोई कुव्वत कशिश हटा ली जाए तो ऐसी सूरत में सारा निजाम दरहम बरहम हो जाए और कियामत इसी तरह आई, इसी तरह कियामत आई। अब एक बात और, एक बड़ा कोई सुतून है उसे रोकना है, एक तरफ से बड़ी रस्सी बांधनी और दूसरी तरफ से छोटी तीन रस्सियां बांधनी। अब अगर आप कोई एक छोटी रस्सी काट दे तो उतना असर नहीं होगा, हिलेगा जरूर लेकिन गिरेगा नहीं। लेकिन अगर आप ये मोटी रस्सी काट दे तो वो गिर जाएगा। अब जितने सितारे और सैयारे हैं कायनात में, सूरज उनमें सबसे बड़ा है इस गैलेक्सी में। जब सबसे बड़ा है उसको उसके मकाम से हटाया जाए तो ऐसी सूरत में तमाम निजामे शमसी के जितनी कुव्वत कशिशें हैं वो सारी मुतासिर हो जाएंगी। अली का कमाल यह है कि सूरज को अपने मकाम से हटा भी दिया और कुव्वत कशिश पर असर भी नहीं हो रहा। एक बात और आपके खिदमत में आज करूं, आज के दौर में बदलती लगी फैलती जा रही है, बदलती लगी फैलती जा रही है, दुनिया सवालात करने लगी है। मानती दुनिया में इतना उलझ गया है इंसान कि आज सवाल किया जाता है कि सितारा अली के दर पे कैसे आ सकता है। सितारा एक शहर के मानिंद बड़ा और वो अली के दर पे कैसे आ सकता है। सितारे का हजम जो है वो बहुत बड़ा होता है, तो ये कैसे मुमकिन है कि अली के दर पे आ जाए। तो आज की खिदमत में मैं एक बात अर्ज करूं, अगर आज की समझ में नहीं आता आम सतह की बात मैं आज की खिदमत में अर्ज करूं, क्या कुरान मजीद में आपने अंबिया के तमाम मौजूदात पढ़े हैं, कैसे यकीन कर रहे हैं कि एक ठोकर से मुर्दा जिंदा हो जाए। आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है लेकिन बेहतर से बेहतर दवा भी दी जाती है, मर जाता है। एक ठोकर से कैसे मुर्दा जिंदा होता है समझ में नहीं आता, तो समझिए कि मौजूदा था, तो यहाँ भी समझिए कि मौजूदा है। और अगर ये नहीं समझना चाहते, आप मादियत से समझना चाहते हैं तो आपको मैं वो भी समझा दूँ। आज साइंस में एक नजरिया ये मौजूद है कि मादा बनता है मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल बनते हैं एटम से, एटम बनते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, और इन सब के दरमियान फासले हैं। यानी न्यूट्रॉन में जो कुछ है उसके दरमियान फासले हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो अतराफ घूम रहे हैं उसमें फासले हैं, और फिर उसके बाद मॉलिक्यूल्स में फासले हैं। अब साइंस ये कहती है कि अगर ये सारे फासलों को निकाल दिया जाए तो एक बड़े से बड़े गोले को छोटी से छोटी शहर में तब्दील किया जा सकता है। तो साइंस ने जवाब बताया कि बड़ी से बड़ी शहर को छोटी से छोटी किया जा सकता है। अब ये सोचना है कि ये बड़ी से बड़ी शहर को छोटी से छोटी शहर कौन करे। एक जवाब तो साबित हो गया कि बड़ी शहर छोटी हो सकती है, लेकिन करने वाला कौन है, साहिब अख्तियार कौन है। तो मौलाए कायनात अपने खुतबे में इरशाद फरमाते हैं, अना साहिबुल वक्त वल कब्ज़, मैं वो हूँ जो चीज़ों को फैला भी सकता हूँ और सुखेड़ भी सकता हूँ।
तो उधर साइंस ने जवाब बताया कि बड़ी से बड़ी चीज छोटी हो सकती है, इधर मौलाए कायनात ने अपना इख्तियार बताया कि मैं वो हूँ जो छोटी से छोटी चीज को बड़ी कर सकता हूँ, बड़ी से बड़ी चीज को छोटी कर सकता हूँ। तो मौलाए कायनात के इशारे से अगर सितारा जमीन पर आ जाए तो छोटा होके आ जाता, इसलिए कि कायनात के इस हर शय को वक्त हक देने वाला अली है, अली है जिसके पास यह कुव्वत मौजूद है। और हकीकत यह है कि यही अली मारिफत रब का रहा है, मारिफत रब इस अंदाज में करवा रहे हैं कि इबादतों का यह आलम है कि मतलब कोई आके इत्तला देता है शहजादी मौलाना को कि शहजादी अली इस दुनिया के गुजर गए। पूछा तुमने अली को कहाँ देखा, कहा हालत नमाज में तो नहीं देखा, कहा हाँ हालत नमाज में देखा, कहा हालत नमाज में अली की यही हालत है। देखिए वो अली जो सारी कायनात से अख्तियार रखता है इबादत की, वो मंजिल पेश कर रहे हैं कि जैसे रूह निकल जाए, जैसे रूह निकल जाए इस हालत में इबादत में। ये क्या था बता रहे थे चाहने वालों को कि देखो इबादत करना है तो हुजूर को झूठी इबादत मार्फत रब करना है, मार्फत रब के लिए अली ने ऐसी इबादत की। और इसी अली के नाम का एक अली का बना हुआ जिसका नाम अली अकबर है। अली अकबर बड़े साहेब कमाल थे, बड़े साहेब कमाल थे। देखिए पुराने मुल्क का सर्व किनारे आया है और ये अल्लाह के लिए कहा है इतना और यह अल्लाह है लाभों को लड़े ही बना हम याद लड़ू। और यह अल्लाह वो है जिन पर ना कोई खौफ होता है ना हुज़्म होता है। अली अकबर अलैहिस्सलाम देखते हैं कि बाबा कशीम फरमा के कुर्सी पर जिन्ना लीला है वो जिन्ना गए राजू पर, और जैसे ही जिन्ना लीला है लीला गए राजू पर अली अकबर आगे बढ़े कहने लगे बाबा क्या बात है आज रात में कल मैं चर्चा जारी किया। इरशाद फरमाया कि अभी मैंने हाल में देखा कि एक खास से ऐसी आवाज दे रहा है कि जब काफिला मौत की तरफ जा रहा है और मौत पीछे पीछे आ रहा है। मतलब अली अकबर सुनते हैं कि बाबा ये बताइए कि हम हक पर हैं, कि मतलब इमाम इरशाद फरमाते हैं कि बेशक हम हक पर हैं। तो अब जो जुमला इरशाद फरमाया गया है अली अकबर इरशाद फरमाते हैं बाबा फिर क्या करें, चाहे हम मौत पर जा पड़े या मौत हम पर आ पड़े, मालूम हुआ ना खौफ है ना हुज़्म है। वलीउल्लाह इसी को कहते हैं, मालूम हुआ अली अकबर अलैहिस्सलाम वलीउल्लाह। और खुशूता के आलम अली अकबर का खुशूता यह आलम था कि जब किसी गली से गुजर जाते तो खुशू की झूठ दीवारों पर पड़ती और खुशबू महक जाती और बाद में आने वाले समझ जाते कि इस गली से अली अकबर गुजरे, इतने हसीन अली अकबर। अंदाजा खुशूता कीजिए जनाब यूसुफ हसीन तरीन नबी बहुत हसी जिसका जिक्र तारीखों में मौजूद कुरान में मौजूद, लेकिन एक मतलब गुजर रहे हैं तो किसी ने आवाज दी कि अल्लाह वो है जो मुत्तकियों को अदा कर देता है और बदकारों से हुकूमत छीन लेता है। पलट के देखा तो एक ज़ईफ़ा बैठी हुई है, पूछा कौन है, कहा कि मैं ज़ुलैखा हूँ, कहा तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, कहती है यूसुफ तुम्हें अपने हुस्न की इत्तला नहीं है, तुम कितने हकी हो, अगर मेरी नज़र से देखते तो तुम्हें मालूम होता कि तुम्हें मतलब यूसुफ कहते हैं कि तुम मुझे देख के ये कह रही है अगर आखिरी नबी मोहम्मद को देखते तो क्या कहेगी। तो मतलब वो कहती है कि हाँ तुमने सच कहा, तो इरशाद फरमाया उनको देखा नहीं तस्दीक कैसे कर रही। मतलब वो दुल्हा कहती है कि जब तुमने अपनी जबान पर नाम जारी किया
तो एक मतलब दिल में खुनकी महसूस हुई। इस खुनकी ने बताया कि हकीकत वो मोहम्मद उससे ज्यादा हसीन है। अब देखिए अरबी में दो अल्फाज हैं, एक है मिसल एक है मसल। मिसल कहते हैं शक्लो सूरत में मिलते और मसल कहते हैं सिफात में मिलते, सिफात में मिलते। इसीलिए नबी अकरम ने जब इरशाद करना कि मैं बशर हूँ मिसलोकुम का, तुम्हारी तरह का बशर, अना बशर हूँ मिसलोकुम, मैं तुम्हारी तरह का बशर हूँ शक्लो सूरत में, मिसल के माने शक्लो सूरत में और मसल के माने जहाँ सिफात मिल जाए। परवरदिगार आलम ने चूँकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रिसालत माब को बहुत ज़्यादा चाहते थे और वो मंजिल आई कि मरतबा रिसालत माब इस दुनिया से जाने लगे तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बेहद मुतासर थे, तो परवरदिगार आलम ने कहा कि ए हुसैन मैं तुम्हें एक ऐसा बेटा दूंगा जो मोहम्मद के मिसल भी होगा मसल भी होगा, मसल भी होगा, जिसकी सूरत में शक्ल मिलती होगी और तमाम सिफात मिलते होंगे। तो अली अकबर को परवरदिगार आलम ने हवाले किया इमाम हुसैन अलैहि सलाम। अब इस दुनिया में जब तशरीफ लाए तो आलम यह बाप बेटे की मोहब्बत का कि जब शब आती रावी है जनाबे जनाबे उम्मे रहना इरशाद फरमाती है कि शब की तारीखी में मैंने देखा कि एक साया आया और अली अकबर पे झुक गया। मैंने सवाल किया कि कौन है जो अली अकबर के झूले पर झुका हुआ है। एक मरतबा इमाम इरशाद फरमाते हैं उम्मे रहना मैं हुसैन हूँ। एक मरतबा पूछा के मौला इस शख्स की तारीखी में यहाँ क्यों तशरीफ लाए, कहा मोहब्बत अली अकबर दूर रहने नहीं देती। हाय अली अकबर की इतनी मोहब्बत हुसैन को थी और उसके बाद वो माँ भी इतना चाहती थी अली अकबर को, तभी चेहरा चेहरे पर नजर करके बात नहीं की। अली अकबर पूछते हैं कि मादर गिरामी मैं आपका बेटा हूँ, आपकी नजर रहमत चाहता हूँ, मेरे चेहरे पर नजर क्यों नहीं करती हैं आप, नजर नीचे करके बात करती हैं। तो इरशाद फरमाती है बेटा तुम इतने हसीन हो मुझे डर है कहीं मेरी नजर न लग जाए, कहीं मेरी नजर न लग जाए। हाय इतनी मोहब्बत जनाब उम्मे लैला को अली अकबर से और वो मोहब्बत इमाम हुसैन को अली अकबर से। और यही सबक है कि मैदान में जिस वक्त अली अकबर जाने लगे हैं तो हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा कि जब अली अकबर निकलना चाहते थे खैमे का पर्दा उठता था और उसके बाद बीवियां पीछे खींच लेती थी पर्दा गिर जाता था। कई मरतबा इसी तरह हुआ कि अली अकबर निकलना चाहते थे और फिर वापिस खींच लिए जाते थे। अली अकबर एक मरतबा रवाना होने के लिए आके पूछते हैं जनाब ज़ैनब से इजाज़त मांगते हैं तो शहजादी इरशाद फरमाती हैं अली अकबर क्या 18 साल इसीलिए पाला था कि तुम्हें आज मरने की इजाज़त दे दूँ। हाय अली अकबर इजाज़त लेके चले, एक मरतबा आए बाबा की खिदमत में, कहा बाबा मैंने इजाज़त ले ली। अब अली अकबर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने रिसालत माब का आमामा पहनाया, ज़िरा दी और उसके बाद तलवार दी, अपना घोड़ा दिया, रवाना किया। और लेकिन रवाना करते वक्त इरशाद फरमाते हैं कि अली अकबर जब तक जाते रहना पलट पलट के देखते। हाय अली अकबर चले, थोड़ी थोड़ी दूर में पलट के देखते जाते हैं लेकिन महसूस ये किया कि कोई है जो दौड़ता हुआ पीछे आ रहा है। एक मरतबा पलट के देखा तो क्या देखा कि बूढ़ा बाप अपनी कमर थामे हुए महलन महलन अली अकबर, महलन महलन अली अकबर कहता हुआ आगे आ रहा है। एक मरतबा उतर गए, तशरीफ लाते हैं, आगे कहते हैं बाबा आपने इजाज़त दे दी थी आप क्यों तशरीफ ला रहे हैं, आपको सहमत हो रही है। इजाज़त फरमाया अली अकबर अगर तुम्हें तुम्हारे जैसा कोई बेटा होता तो तुम्हें मालूम होता कि बेटे की
मोहब्बत क्या है, हाँ अजीब मंजिल है। उसके बाद रवाना किया, अली अकबर गए और उसके बाद जंग की, 120 शख्सियात को वासिले जहन्नम किया और उसके बाद खिदमत तक वापिस आए, ईमान की ईमान की खिदमत तक वापिस आके अजीब सवाल करते हैं। ये वो घराना है जहाँ कोई मांगने वाला आके अगर मांगता है तो उसे कभी रद्द नहीं किया जाता। रिवायत ये मिलती है कि अगर कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास आ जाता और कोई सवाल करता और अगर उठना ना होता तो दरवाजे के पीछे से हाथ बढ़ा के अता कर दिया जाता, इस तरह अता कर देते कि उसकी नज़र न पड़ने पाए। हाँ, ये आलम है इस घराने का, करम का यह आलम है कि कभी सवाली को रद्द नहीं किया। लेकिन हाय वही हुसैन सारी जिंदगी अली अकबर से पूछते रहे, अली अकबर कोई साहस हो तो बयान करो ताकि मैं पूरी करूँ, अली अकबर कोई साहस हो तो बयान करो ताकि मैं पूरी करूँ। लेकिन अली अकबर हमेशा यही कहते, बाबा आपका दिया सब कुछ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हाय जिंदगी में एक सवाल किया अली अकबर ने, आगे कहते हैं बाबा अगर थोड़ा पानी मिल जाता। इरशाद फरमाया अली अकबर अपनी जबान मेरे मुंह में दे दो, एक मतलब मुंह में जबान रखी और खींच ली। इरशाद फरमाया कि बाबा आपके मुंह जबान पर तो मुझसे ज्यादा कांटे पड़े हैं। उसके बाद इमाम ने इरशाद फरमाया, अच्छा जाओ अली अकबर, तुम्हें बाबा सैराब करेंगे, तुम्हारे दादा सैराब करेंगे। एक मरतबा रवाना हुए, इजाज़त मिल गई अली अकबर को मरने की, एक मरतबा रवाना हुए। लेकिन अब जनता अमदाद अली अकबर के अलग है, अब जो सामने आता उसे नहीं मारते बल्कि मजमे में चुन चुन के लोगों को कत्ल कर रहे हैं। किसी ने पूछा कि अली अकबर के जनता यह अंदाज क्यों था कि जो सामने आता उसे कत्ल नहीं करते बल्कि चुन चुन के कुछ लोगों को मार रहे थे, तो कहा यह गया कि अली अकबर नहीं चाहते थे कि कोई बड़ा पहलवान हुसैन से मुकाबले के लिए बाकी रह जाए, इसीलिए चुन चुन के पहलवानों को मार रहे थे। हाय मोहब्बत अली अकबर की, इतनी मोहब्बत के कदम चलते जाते हैं। और उसके बाद वो मंजिल आई कि एक मरतबा अपना सलाम भेजा, बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल कीजिए। हुसैन चले इस अंदाज में चले कि कभी गिरते हैं कभी उठते हैं। और उसके बाद पहुंचे अली अकबर के पास तो इस आलम में देखा कि अली अकबर एड़ियां रगड़ रहे हैं, अपने आप को बाजू में लिटा दिया और एक साथ समझाया, मेरे मालिक गवाह है ना कि मेरे बराबर का बेटा इस दुनिया से तेरी खिदमत में आ रहा है, कुर्बानी पेश कर रहा हूँ, कुर्बानी को कबूल फरमा। और उसके बाद वो मंजिल अली भाई के एक मरतबा अली अकबर जरा सा कश में आ गए तो अब जो हुसैन बेचैन हुए, एक मरतबा बेदार किया, बेदार करके पूछने लगे कि अली अकबर क्या आलम है। अली अकबर इत्मीनान दिला रहे हैं लेकिन देखा हुसैन ने कि हाथ सीने पर रखा हुआ है। एक मरतबा हाथ को जब हटाया तो क्या देखा कि पर्ची सीने में कड़ी हुई है। अरे बाप बेटे की पर्ची कैसे निकाले। एक मरतबा हुसैन बैठ गए, अपना जानों नीचे रखा, हाथ से चढ़ा के पीछे, लेकिन पर्ची बरामद ना हुई। एक मरतबा याली करके जब पर्ची निकाली, हाय चले जाता अली अकबर की रूह बर्बाद करने लगी। इरशाद फरमाया, बेटा आखिरी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। अली अकबर ने कहा, बाबा मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन फातिमा सुग्रा को एक मरतबा देख लूँ। एक मरतबा हुसैन ने उंगलियाँ उठाई, अली अकबर ने देखा, क्या देखा कि फातिमा सुग्रा एक लगन में जा अली अकबर के कदमों के निशान है, अपना जान अपना रुखसार रखे हुए इशारा फरमा रही है, भैया अली अकबर तुम्हारा इंतजार है और तुम नहीं आओ। गौहर कैसेट सेंटर अब बजाजे के अलावा दरगाह हजरत अब्बास गेट नंबर 2 के सामने दीनी तकारीर के सीडी और कैसेट के साथ साथ अलम पटके जरिए मुबारक व दीनी कुतुब के साथ साथ आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। जब भी आपको
سوز و سلام، مرثیے، نوحے، مجالس یا دینی کتب کی ضرورت ہو تو تشریف لائیں۔ گوہر کیسٹ سینٹر، درگاہ حضرت عباس، گیٹ نمبر 2 کے سامنے، یا پھر نزدیک امام باڑہ ناظم صاحب، وکٹوریا اسٹریٹ، لکھنؤ۔ ہمارا موبائل نمبر ہے 9335223290۔